आपका स्वागत है आपकी अपनी रसोई समीक्षा की रसोई में। रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं रवा इडली। ये एक ट्विस्ट के साथ बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ यमी भी होती है और बहुत क्विकली बन जाती है। साथ में कॉमेंट्स में बताना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और गाइज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फटाफट से ये रेसिपी देखें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं इस रवा इडली में। सबसे पहले इसका की इंग्रेडिएंट यानी कि रवा, सूजी या सेमोलिना जो भी आप कहते हो, ये हमने एक कटोरी लिया हुआ है। इक्वल क्वांटिटी में ही हमने कर्ड ली हुई है, मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, बहुत थोड़े से चना दाल, जीरा और हींग, इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट, ये हमने एक छोटा चम्मच लिया हुआ है। साथ में स्वाद अनुसार नमक और एकदम थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसके साथ हमें चाहिए होगा मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल जो आप फ्राई करने के लिए यूज़ करते हो, और साथ में पानी। चलिए आइए इस रेसिपी को बना लेते हैं। पहले तो पैन को हीट कर लेना है। पैन हीट हो जाने पे उसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ही। मस्टर्ड ऑयल भी हीट हो जाने पे इसमें हम मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे, साथ में हींग, जीरा, और इन सबको अच्छे से फ्लटर होने देना है। जब ये अच्छे फ्लटर होने लगे तब इसमें हम चना दाल ऐड कर देंगे। चना दाल ऐड करने के बाद इसमें हम करी लीव्स भी ऐड कर देंगे। करी लीव से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये सभी चीजें बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और एक बार सारी चीजों को मिक्स कर देंगे साथ में, ताकि साथ में हल्दी पाउडर भी अच्छे से भुन जाए। अब बारी है इसमें ऐड करने की। इस टाइम आप फ्लेम को एकदम लो रखिए। पूरे प्रोसेस में जब हम सूजी को भून रहे हैं तब हमें फ्लेम को एकदम लो पे रखना है। अब अच्छे से सारे कंटेंट के साथ सूजी को मिक्स करते हुए हमें भून लेना है। सूजी काफी अच्छे से भून चुकी है। अब इसको हम एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमने जो भुनी हुई सूजी है और सारा कंटेंट को एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसी बोल में हम दही ऐड कर देंगे और दही के साथ ही नमक भी। अब इन सभी को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को सारे कंटेंट के साथ मिक्स करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है पानी और वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहे क्योंकि अभी सूजी पानी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले। काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि किसी भी चीज़ के कोई भी लम्प्स इसमें ना रह जाएँ, और ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का अभी रहेगा तभी जब हम इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट्स रखेंगे। उसके बाद ये एकदम सही बैटर रेडी हो जाएगा इडली के लिए। तो ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब इसको हम 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू। अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं हमने जब से इसको रेस्ट पे रखा हुआ था, और इसको चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पानी इसने काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस स्टेज पे इसमें हम इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देंगे और हल्के से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको हम हटा लेते हैं और इसको हम इडली के सांचों में डाल देते हैं। इसमें बैटर पोर करने से पहले हल्का सा घी या ऑयल आप इसमें ब्रश कर लें ताकि उसको निकाल लेना काफ़ी इजी हो जाए। इसके बाद इसमें हम इडली का बैटर पोर कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा और फ्लफ़ी भी होने वाला है, इसलिए पूरा ना फिल करें, थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें फिल कर दें। इसी तरह से आप सारे इडली के सांचों को फिल कर लें। इसी तरीके से हम सारी प्लेट्स में बैटर लगा करके, जितना बैटर हमने रेडी किया था उसमें हमने अराउंड 20 इडलीज रेडी कर ली हैं। इडली के कंटेनर में हमने अच्छे से पानी ऐड करके उसके लेवल तक पानी को एक बॉयल दे दिया है। अब इसमें हम ये
अपनी इडली प्लेट्स ऐड कर देंगे और इसको बंद कर लेते हैं। अराउंड 10 मिनट से ये पक रहा है एकदम लो फ्लेम पे। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है। अराउंड 5 से 6 मिनट के लिए इसको बंद ही छोड़ना है ताकि अंदर स्टीम से भी ये काफ़ी अच्छे से पक सके। अराउंड 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमने इसको गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी रेस्ट पे छोड़ दिया था। ये हमारी बहुत ही बेहतरीन रवा इडली रेडी हो गई है। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही इजी बनने वाली ये रेसिपी है और एक नए ट्विस्ट के साथ है, तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए इसको प्लेट कर लेते हैं।